ये है होंडा की 125 सीसी की ऐसी बाइक जो सबसे ज़्यादा देखी भी जाती है और सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइकों की लिस्ट में भी शामिल है। नाम है इसका होंडा एसपी 125। 2024 का ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है और शुरुआत में मैं आपको इसकी कीमत बता दूं, क्योंकि जो नई कीमत है वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें दो वेरिएंट आपको मिलेंगे, एक ड्रम मॉडल और एक डिस्क मॉडल। ड्रम मॉडल की एक्सोरूम प्राइस है 86,800 रुपये और डिस्क मॉडल की एक्सोरूम प्राइस है 90,800 रुपये। अब इसमें आप लगभग 15,000 से 20,000 रुपये ऐड कर देंगे तो आप इसके ऑन रोड प्राइस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अभी ये कलर कॉन्सेप्ट बताइएगा कि कैसा लग रहा है। 2024 में अगर मैं नए अपडेट की बात करूं तो देखिए, नया तो इसमें अपडेट कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो लोगों को लग रहा था वो था मोबाइल चार्जिंग पोर्ट की सुविधा शायद आ सकती है, बट अभी नहीं है। एक दो महीने बाद नए अपडेट में ये चीज़ मिल सकती है। मेन हेडलाइट आपको फुली एलईडी मिलती है, उजाले को लेकर मेरी कोई शिकायत नहीं है, कमाल का बेहतरीन उजाला इसमें मिलता है। साइड इंडिकेटर्स में कोई एलईडी सेटअप नहीं है, यहाँ पे आपको हैलोजन बल्ब कंपनी लगा कर देती है। ये तो बात हो गई इसके मेन हेडलाइट और इसके साइड इंडिकेटर की। जो आगे वाली प्रोफाइल है अगर आप देखेंगे तो मतलब अच्छी लगती है, जैसे एसपी 160 अभी आ चुकी है इंडियन मार्केट में, तो उसमें भी आगे वाली प्रोफाइल लगभग ऐसी ही कंपनी ने थोड़ी सी बल्की रखी है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। अब आगे वाला जो सस्पेंशन है आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और एसपी 125 की सस्पेंशन क्वालिटी को मैं एक शब्द में बोलूँ तो मुझे अच्छी लगती है, सॉफ्ट भी है और अच्छी भी है। आगे आपको डिस्क मिल रहा है जिसकी साइज़ है 240 mm, और ध्यान रखिएगा कि ये 240 mm डिस्क की साइज़ है। अगर आप ड्रम वाला लेते हैं तो आगे 130 mm का ड्रम आपको कंपनी लगा कर देगी विद CBS यानी कि कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। पिछला ब्रेक लगाएंगे तो अगला ब्रेक साथ में लगेगा। और अभी जो आपने टायर देखा ये मतलब अच्छा टायर है, 80/100 का 18 इंच का ट्यूबलेस टायर है। अब ये जो टायर है ना मतलब पतला है थोड़ा सा, बट ठीक है, आगे वाला टायर है इसलिए इतना तो आराम से चल सकता है। अगर मैं इंजन पे फोकस कर रहा हूँ तो इंजन के बारे में बता दूँ कि इसमें आपको 125 सीसी का खैर इंजन है और मैक्स पावर आपको 10.87 10.87 PS की पावर मिलेगी और 10.9 यानी कि 10.9 Nm का टॉर्क मिलेगा। तो देखिए पावर और टॉर्क इतना सफिशियंट है कि अगर आप चाहें तो दो लोगों के साथ भी पहाड़ी एरिया में इसको आराम से लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। 125 सीसी के हिसाब से पावर और टॉर्क का आउटपुट इसमें बढ़िया मिलता है। अगर मैं इसके मेन मीटर कंसोल की बात करूं तो आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल कंपनी प्रोवाइड करती है। और इन्फॉर्मेशन की मैं बात करूं तो देखिए गियर पोजीशन इंडिकेटर हो गया, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, टाइम, फ्यूल इंडिकेटर, इंजन मॉल फंक्शन लाइट, साइड स्टैंड इंडिकेटर, ऐसे ही करके इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। हाँ, ये है कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलता, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट की सुविधा नहीं मिलती है, नेविगेशन वगैरह ठीक है। मतलब अगर आपको एडवांस फीचर में नहीं जाना है तो फिर आप इसके आराम से कैरी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि ये फीचर बहुत जल्दी कंपनी को देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल 100 सीसी बाइकों में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ चुकी है, तो ये चीज यहां पे भी बहुत जल्दी कंटिन्यू होने वाली है। ठीक है, अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, साइड इंडिकेटर वगैरह सारी चीज़ें आपको पहले जैसे मिलती थी स्विचेस, वही स्विचेस यहाँ पर भी कंपनी लगा कर देती है। राइट हैंडल साइड पर देखेंगे आप तो आपको एक सिंगल स्विच मिलता है जिससे आप इंजन कट भी कर सकते हैं और उसी से सेल्फ स्टार्ट भी कर सकते हैं। आपको नए अपडेट में एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि जो इसका पिछला फेंडर है ना उसको अगर आप चाहें ना तो पूरा फ्लैक्स कर सकते हैं, पूरा मोड़ सकते हैं तगड़े तरीके से, ये टूटेगा नहीं। मतलब एक फ्लेक्सिबल फाइबर इसमें कंपनी प्रोवाइड करती है, तो ठीक है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। और आगे देखिए जो पीछे वाला सस्पेंशन है ये आपको मिल रहा है हाइड्रोलिक टाइप का 5-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन। सस्पेंशन क्वालिटी मैं आपको बता ही चुका हूँ। जो पिछला टायर है ये आपको मिल रहा है 100/80 का, 18 इंच का ट्यूबलेस टायर है, और जो नया एकदम अपडेटेड मॉडल आ रहा है इसमें टायर की चौड़ाई थोड़ी सी कंपनी ने बढ़ाई है, क्योंकि पीछे से टायर की वजह से थोड़ी सी गंदी दिखती थी, अभी ये चीज़ पूरी तरह से बढ़िया हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए आपको लेडी फुटरेस्ट मिलता है, आराम से जो है एक साइड करके घर की जो लेडीज हैं वो बैठ सकती हैं। तो एसपी 125 की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये डेली कम्यूट करने के लिए भी परफेक्ट बाइक मानी जाती है। आप डेली अगर 40-50-60 किलोमीटर का आपका रनअप है तो आप इस बाइक के साथ जा सकते हैं, और ये फैमिली पर्पज से भी अच्छी है। एक साइड पैर करके अगर कोई घर की महिला बैठना चाहे तो आराम से बैठ सकती हैं, क्रॉस करके भी बैठ सकती हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, मैं हमेशा की तरह एक चीज़ आपसे बोलूँगा कि लेने से पहले आप टेस्ट राइड जरूर लीजिएगा और इस कलर के बारे में आप कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अभी देखिए मैंने आपको बता दिया कि इसमें सारी चीज़ें, माइलेज मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें 55-60 का माइलेज आप इको स्पीड में आराम से निकाल सकते हैं। इस बाइक का जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो 160 mm का है, जो कि इंडियन रोड्स के हिसाब से परफेक्ट है। इसका वजन 116 किलोग्राम है और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11.2 लीटर यानी कि 11.2 लीटर की है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि भैया फ्यूल टैंक कैपेसिटी आप गलत बताते हो, तो सर आप जाइए होंडा की ऑफिशियल वेबसाइट,
वहाँ पर जाके होंडा SP125 सेलेक्ट करिए, उसके स्पेसिफिकेशन वाले सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखा हुआ मिल जाएगा, लिखा हुआ कि 11.2 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। मैं एक बार कीमत फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला डिस्क वेरियंट आप देख रहे हैं 90,800 रुपये इसकी एक्सोरूम प्राइस है, और ये ऑन रोड जाते जाते लगभग पड़ जाएगी आप लोगों को, मान के चलिए कि 1,05,000 से लेकर 1,10,000 के बीच में ये कंप्लीट ऑन रोड आपको मिल जाएगी। तो हमें उम्मीद है कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा।